दैनिक उर्दू के पत्रकार के 29 वर्षीय पुत्री की डेंगू बीमारी से हुई मौत। भागलपुर में लगातार डेंगू का कहर देखा जा रहा है। वहीं डेंगू से देर रात एक की मौत भी हो गई है। जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत के रहने वाले एक दैनिक उर्दू के पत्रकार आफाक असद आजाद की 29 वर्षीय पुत्री फरहीन नाहिद की मौत डेंगू से हो गई। 3 दिन पहले ही उसे जांच के क्रम में पता चला था कि उसे डेंगू है, जिसके बाद परिजन प्राइवेट चिकित्सकों से उसका इलाज करा रहे थे। देर रात हालत नाजुक होने पर उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण घर के आगे नाला नहीं रहने के कारण जल जमाव था। सात निश्चय योजना के तहत ब्लॉक के द्वारा नाला निर्माण कराया भी जा रहा था, लेकिन वार्ड नंबर 7 के सदस्य शमशाद और वार्ड नंबर 8 के सदस्य के परिजन मोहम्मद शान के द्वारा नाला निर्माण नहीं होने दिया गया। वहीं मृतका के पिता ने जिले के कई वरीय अधिकारियों को इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने भी कोई पहल नहीं की और देर रात डेंगू की चपेट में आने से इनकी बच्ची की मौत हो गई। एक तरफ जहां डेंगू से बचाव करने को लेकर सरकार कई दावे कर रही है, लेकिन जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत में डेंगू से मौत होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरह घटना हुई है, क्या हुआ था बच्ची को? मेरी बच्ची को डेंगू हुआ था, बुखार आया, इसको ट्रीटमेंट कराया डॉक्टर से, तो जांच हुआ, जांच में डेंगू निकला। और डेंगू का कारण है कि यहाँ पर पानी जमा है, बगल में एक कारखाना है रंगी का, वो सारा पानी गिराता इधर आता है। मुखिया जी आए थे नाला बनाने, और तो वार्ड नंबर 7 के मोहम्मद शमशाद ने रोका, और मोहम्मद चांद वार्ड नंबर 8 के मुखिया के वार्ड सदस्य के ससुर ने रोका, और CO भी आए यहाँ पर। CO ने कहा कि जो पुराना नाला बना है उसको साफ कर दीजिए, ये पानी निकास हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने उसका CO का भी बात नहीं माना, और पानी वाले को उल्टा कह दिया गया। पानी वाले से जब मैंने बात किया कि पानी तुम बंद करो, तो उन्होंने कहा कि हमको कहा गया है, आपके मोहल्ले वालों ने सब मिल के कहा है कि पानी खूब भराइए, जो होगा देखा जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये कारण यही है कि नाला वो लोग अपने मनमाने ढंग से बनाना नए ढंग से चाह रहे हैं, और वो इधर आना चाह रहे हैं, चूँकि उनका सामने मकान, वो चाह रहे हैं कि इधर नाला हो जाएगा तो रोड में की चौड़ाई उधर ही लोग लग जाएंगे, चूँकि पूरा अतिक्रमण है। आप देख सकते हैं रोड में, रोड के उत्तर साइड पूरा अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को सेफ रखने के लिए ये दक्षिण साइड ज़्यादा अंदर घुसना चाहते हैं लोगों के पर्सनल जमीन पर। सरकार कह रही है कि डेंगू से बचाव के सारे उपाय किए जा रहे हैं, साफ सफाई किया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको, कारण क्या लगता है बच्चे की? बिहार में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, मैं तो इफेक्टेड हो चुका, मेरी तो बड़ी बेटी चली गई ना, मेरी बेटी इसी डेंगू इसी पानी के जमाव की वजह से गई ना, जबकि इसके बारे में SSP से भी मैं मिल चुका था, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और ये जो इंस्पेक्टर थाना टर्राम कृपा शंकर जो हबीपुर थाना इंस्पेक्टर है, ये इसमें इनकी भी ज़बरदस्त लापरवाही रही है। आज हो सकता है कि अगर के पानी साफ़ सुथरा था, डेंगू का असर नहीं होता, मेरी बेटी तो आज जान बच भी सकती है। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का नाम था फरिया नाहिद उर्फ शकीबा। उम्र 30 के लगभग है। मेरा आफाक असद आज़ाद, मैं एक रिपोर्टर के हैसियत से भागलपुर में पिछले 25 साल से सिर्फ मोहल्ला है, ये मोहल्ला सदरुद्दीन चक है, वार्ड नंबर 9 और 8 इसलिए है।